हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 26 मार्च को आपका राजस्थान सेट का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आज ही आपकी जो नोडल यूनिवर्सिटी है, जो कि है गोविंद गुरु जनजाति यूनिवर्सिटी, उन्होंने कुछ रूल्स और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज पोस्ट की है। तो सबसे पहले तो ये कि जो भी आपका SSO पोर्टल है, जब आपने फॉर्म भरा होगा, आपका SSO पोर्टल है, उस SSO पोर्टल पे आपके सिटी का इंटीमेशन या आपके शहर की जानकारी डाल दी गई है, ठीक है। तो आप उस SSO पोर्टल से आपका सिटी इंटीमेशन देख सकते हैं। साथ ही 21 मार्च को सबके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 21 मार्च को, ठीक है। और उसके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो ये फुल एंड फाइनल इन्फॉर्मेशन है कि 21 मार्च को आप सबके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो अब आपको अब नहीं बताया जाएगा, ना यूनिवर्सिटी की तरफ से ना किसी और की तरफ से। तो 21 मार्च को सबके डाल दिए जाएंगे, ठीक है। परीक्षा का जो टाइम है वो है 11 o'clock से लेकर आपका 3 घंटे का आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि क्योंकि 3 घंटे का टाइम है और 11 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो आपको 1 घंटा पहले पहुंचना जरूरी है आपके सेंटर पे, यानी कि 10 बजे आपका क्या है, 10 बजे आपको एंट्री दी जाएगी। और सुनिश्चित करें कि सब जने वो स्टिपुलेटेड टाइम पर जरूर पहुंचे, 10 बजे आप सबको पहुंचना है, ओके। अब इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप परीक्षा सेंटर पे पहुंचेंगे, तो आपको एक तो अपनी फोटो, ठीक है, पहचान पत्र जरूर लेकर जाना है, ठीक है ना। जैसे आपका जो भी यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है ना, वो आपको एक जरूर लेके जाना है। फोटो और पहचान पत्र नहीं होगा और आपका एडमिट कार्ड अगर आपके पास में नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। बहुत ही कड़े शब्दों में ये लिखा हुआ है। और 1 घंटे पहले पहुंचना बहुत जरूरी है ना। एंड टाइम पे कमोशन ना हो, इसलिए पहले से ही सुनिश्चित करें, अगर सेंटर दूर है, दूसरे शहर में आया है या दूसरी सिटी में है, तो पहले से ही पहुंच जाएं, ठीक है ना। वो आपको सिटी इंटीमेशन SSO पोर्टल से चेक करके पता चल जाएगा। और 1 घंटे पहुंचना है, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें वही सेम UGC का पैटर्न है, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों को मिलाकर 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके ऐसे बोलते हैं अनिवार्य होते हैं, ठीक है। है तो ऑनलाइन मोड पर आपको OMR शीट भी दी जाएगी, और उस OMR शीट को आपको बेसिकली ब्लू या ब्लैक पेन से मार्क करना होगा अकॉर्डिंगली, जो आपके क्वेश्चन है उसके हिसाब से, ठीक है। आपकी जो नोडल यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद जनजाति यूनिवर्सिटी, उन्होंने ड्रेस कोड भी बताया है, ओके। तो बॉयज के लिए हाफ स्लीव्स की आपको शर्ट और टी शर्ट और पैंट पहननी है, ओके, और चप्पल या हवाई चप्पल यही पहननी है, जूते नहीं पहनने हैं। कान खोल के सुने, जूते ना पहन के जाएं, हवाई चप्पल या चप्पल में ही जाना है, और हाफ स्लीव्स की शर्ट टी शर्ट होनी चाहिए, ठीक है। वहीं दूसरी ओर गर्ल्स के लिए यह है कि साड़ी और कुर्ता, सलवार कुर्ता आप पहन सकते हैं, बट हाफ स्लीव्स का होना चाहिए, फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है, ठीक है ना। पैर में आपको जूते अलाउड नहीं है, ओपन ही चप्पलें आपको पहननी है। एंड इट इज स्पेशली फॉर द लेडीज कि कोई गहना नहीं होना चाहिए, मेटल अलाउड, बिल्कुल भी मेटल अलाउड नहीं है, ओके, कि आप किसी भी तरह का, फिर आप वहां पे जिद बहस हो आपकी, फिर आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए पहले ही सब निकाल कर जाएं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह का धागा या मैं बोलूं किसी भी तरह का तावीज तक भी अलाउ है, साफ लिखा हुआ है, कोई मेटल नहीं होना चाहिए, कोई धागा नहीं होना चाहिए। सो प्लीज इस ड्रेस कोड को भी फॉलो करें, क्योंकि इससे आप भी रिलैक्स रहेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी गलती से पहन गए फिर वहां जाके प्रॉब्लम होगी, तो वो हमें फिर एंजाइटी और टेंशन देती है, ओके। सो बेटर है हमें फोकस करना है, तो फोकस करने के हिसाब से आपको ये सारी चीजें नहीं पहननी है, ओके। टाइम का ध्यान रखें। एंड यस, एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करें 21 मार्च को, तो इन्फॉर्मेशन ढंग से पढ़िएगा, ओके। फोटो आईडी कार्ड और फोटो तो आपको साथ में लेके जानी है, और आपका जो पहचान पत्र हम जिसको बोलते हैं, और आपका एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना ही जाना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन की हम, क्योंकि राजस्थान का पेपर है, पेपर 1 जनरल पेपर है, तो थोड़ा ना आप लोगों को GK भी पढ़ के जानी पड़ेगी, इन सेंस GK कि जो नवीन नीतियां जो चल रही हैं ना, जो कोई गवर्नमेंट ने कोई नीति निकाली है, ठीक है, नीतियों के अलावा जैसे किसी डिपार्टमेंट्स के नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे MHRT का नाम चेंज हुआ या किसी और का नाम जो चेंज हुआ, प्लीज इन नीतियों पर भी थोड़ा सा गौर फरमा कर जाएं, एक आधा सवाल इस पे आ सकता है, ठीक है।
राजस्थान से का जो जीके, क्योंकि फर्स्ट पेपर है तो राजस्थान का पेपर है, तो एक आध क्वेश्चन आप राजस्थान की जीके से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है. ओके, बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ एक आधा आ सकता है. पर नीतियां तो आपको पता है सेंट्रलाइज्ड है, तो उनको जरूर पढ़ के जाएं, वो आपको जरूर मदद करेंगे. ओके, तो 21 मार्च को सबके एडमिट कार्ड आ जाएंगे. ओके, एसएसओ पोर्टल से उसको डाउनलोड जरूर करेगा. एंड सिटी इंटीमेशन आ चुका है, सो प्लीज उस सिटी इंटीमेशन को भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को प्लान कर लीजिए. थैंक यू सो मच. एंड यस, डोंट फोरगेट कि आप आज से हम आप ही के लिए, आपका पेपर है सेट का, तो हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सो यूट्यूब पे बायजूस के ऑफिशियल चैनल पे आज रात 8 बजे मुझे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहां हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.